एनी बेटा मेरी बात तो सुनो। बल्कि आप मेरी बात कान खोल के सुन ले। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, और एक ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं जिसको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, जिसको मैंने देखा नहीं है। एनी तुम एक बार उनके घर तो चलो, उसके बाद तुमने जो भी फैसला करना होगा तुम कर लेना। अच्छा तो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनका घर उनकी गाड़ी देख के इम्प्रेस हो जाऊंगी, ऐसा समझते हो तुम लोग मुझे? एमल ठीक कह रही है बेटा, हम उनके घर पे जाएंगे, महरोज से मिलेंगे, ठीक है, घर का माहौल देखेंगे, और फिर तुम्हारा जो जवाब होगा ना हम मानेंगे बेटा, बस एक दफा चलो तो सही। मुझे समझ नहीं आ रहा है अम्मी, इससे आखिर एतराज क्यों है? क्योंकि तुम्हारी और मेरी तरजीहात मुख्तलिफ है एमल। तुम एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हो जिसको तुम पसंद करती हो, जिसको तुमने देखा है, जिसको तुम जानती हो, और मैं एक ऐसे इंसान के साथ शादी करने के लिए जा रही हूँ जिसको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, जिसको मैंने देखा तक नहीं है। और वैसे भी वो तो इसका रिश्ता देखने के लिए आए थे ना, मुझे क्यों बीच में घसीट लिया? मुझे नहीं करनी है शादी उससे, क्या किसी से भी नहीं करनी। बस मैंने कह दिया है ना कि हम कल जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, और तुम चलोगी साथ, समझा? एनी प्लीज मेरे खातिर, किसी के खातिर।